चलो भगवान फिर से शुरू करते हैं। मैं राजमाथुर, हेलो। अरे पहचाना ना आपने, आपका राजू मैं समझा आप भूल गए। अरे भगवान ये त्रिशूल मैं आपके लिए लाया हूँ, ये लीजिए। भाई जल्दी करो, पता नहीं आज दर्शन होंगे कि नहीं। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये मंदिर है या धर्मशाला? मालूम नहीं अंदर कौन घुस गया, निकलता ही नहीं, समझे ना आप। अबे राजू अभी ये क्या कर रहा है तू? अरे आप डिस्टर्ब मत कीजिए पंडित जी, आपस की बात चल रही है हमारी। अबे ठीक है जल्दी कर, बाहर पब्लिक इंतजार कर रही है। हाँ खड़ी है, आप जाइए प्लीज। आप गए नहीं? अरे पंडित जी जल्दी जल्दी कर। भगवान ये आपके ये मिडमैन बहुत परेशान करते हैं मुझको, मैं भूल गया क्या कह रहा था मैं। भगवान आप तो जानते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए, मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ भगवान। तो मेरी जिंदगी में होनी चाहिए बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर, और ये शहर बहुत छोटा है भगवान। यहां मैं कुछ नहीं कर सकता भगवान, कुछ नहीं कर सकता यहां पर मैं, मेरा टैलेंट यहां पर वेस्ट हो जाएगा, यू नो इट भगवान। यहां मेरा दम घुटता है भगवान, मुझे तो आप किसी भी तरह से जल्दी से बंबई भेजवा दो भगवान, बस। लगता है भगवान वाला नहीं है। अगर मैं बंबई पहुंच गया ना तो मेरी लाइफ बन जाएगी भगवान, प्लीज भगवान एक बार मुझे पैसे वाला आदमी बना दे भगवान। देख आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है भगवान, मुझे अच्छे नंबरों से पास करवा दे प्लीज। एक मिनट प्लीज भगवान, बंबई। हाँ मत का तारा
जरूर है ऐ दोस्तों अलविदा। साहब राम मोहन का पता मालूम है आपको? एक मेरे लिए चाय लाना अपने पास। बम्बई में किसी के पास टाइम ही नहीं है। आपको मालूम है राम मोहन साहब कहाँ रहते हैं? आगे अब्दुल जरूर काम करने का है कि नहीं? करने का जाता वहीं बैठ जाता है। चल पांडे जी को चाय मार। हाँ सर। देखो पांडे चाचा चाय और कुछ नहीं बेटा। बस आपकी नौकरी का हुआ कुछ? नहीं बेटा अभी नहीं हुआ। देखो सलाम वालेकुम। सलाम। या आजाद नगर बस्ती यही है ना? हाँ, हाँ, यही है। आपको कौन चाहिए? वो राममोहन साहब को जानते कहाँ रहते हैं? कौन राममोहन? राममोहन जिसकी बीबी वो सब्जी वाले के साथ भाग गई। अरे नहीं नहीं उनकी तो शादी भी नहीं हुई भाई। अरे चुप कर, जब तक पता रहता है कुछ ना कुछ। वो राजी मिल में काम करते हैं हम साहब। अरे जो मियां गुल्लू दादा को सबका पता मालूम रहता है। इनको गुल्लू दादा के अड्डे पर ले जाओ। ये हाथ में दे दे ठाकुर। क्या डायलॉग बोला सर अमजद भाई? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ। सरदार आपसे कुछ आदमी मिलने आए हैं। कितने आदमी हैं? सिर्फ पांच सरदार। लेकिन शोले में तो दो ही थे। हाँ। डरता क्या को है? गुल्लू डरता नहीं। अरे जाओ मेरी। अरे चोरी लोग भागो अपने अपने घर। दस बज गए हैं। सिस्टर आई तो बारिश हो जाएगी। गुल्लू सेठ अब लोगों का बिट लगा है, बस एक गेम खेलने दो। एक आखिरी गोटी बिट करने दो गुल्लू दादा। गोटी एक आदमी चार बहुत बेइंसाफी है। काफी है। अरे गुल्लू दादा क्या है? ठहरो भैया ठहरो, तुमसे एक काम। ये लड़का आया है दार्जिलिंग से, किसी राममोहन से मिलना चाहता है, जरा इसे मिला दो भैया। अरे गुल्लू दादा अब तेरी नजर से कोई भी राममोहन नहीं बच सकता रे। मालूम है लेकिन मैं मिलवा नहीं सकता ना। लेकिन क्यों गुल्लू दादा? लेकिन मैं नहीं मिलवा सकता बोल दिया ना भाई। मगर अरे दो महीने पहले वो ये बस्ती छोड़कर भाग गया, उसकी खोली हमने ही तो खाली करवाई थी। जय भोलेनाथ, बम्बई आते स्नान तो करवा दिए। डर गया? हाँ। परदेसी हो? हाँ। चल डरने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बम्बई में। चल वापस जा। इस भूल भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ। एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ क्या बोले? मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। वेरी गुड, चला जाइए। मेरा बैग तो उठा लो आराम। जय बाबू आपका डिनर। हाँ। अरे तुम जय बाबू, ये परदेसी है बेचारा, बंबई में कदम रखते ही बेसारा हो गया। ये अंदर मूर्ति देख रहे हो ना? हाँ। लोग इसे भगवान बोलते हैं। सुना है इसने सारी दुनिया बनाई। ये दुनिया बनाने वाला अपनी दुनिया में आकर बेसहारा हो गया। तू किस खेत की मूली? सिस्टर से मिला था। अच्छा ले ले। अरे यार कंगी है लेना। कंगी है? मैं समझा चाकू। चल ले खा। लेकिन ये तो अरे यार ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु सब खोखले शब्द है, कोई मतलब नहीं होता इनका। चले रहने के लिए जगह है? अच्छा चलो मेरे साथ हो। मालूम है बम्बई में कैसे जिया जाता है?
कैसे? खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ। जूता खोलो टोपी पहनाओ बीड़ी फेंको छोपड़ा जलाओ। कहने का मतलब है इधर आ। ए बच्चा लो किसी में पैसा है क्या? चल जाके सिनेमा का पोस्टर देख। चल ए चल 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 आजा चल बैठ 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 चल। हाँ तो सब लोग हिंदू को नमस्कार नहीं बोलेगा, मुसलमान को सलाम नहीं करेगा, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, क्योंकि अपन यहाँ लैंग्वेज का लफड़ा करने नहीं आएगा। बराबर कि नहीं? बराबर बराबर। आप लोग सोचेगा जय पांच मिनट बोल बच्चन फेंक के जरूर आग का सुरमा निकाल कर बेचेगा। नहीं भाई, लोगों को अंधा बनाना अपना काम नहीं, ये काम किसका है? डॉक्टर लोगों का। फिर आप समझदार लोगों का समझदारी बोलेगा, ये जरूर दांत का मंजन बेचेगा। नहीं जय, आपको इतना बेवकूफ नहीं समझता। यहाँ देश में खाने के वास्ते रोटी नहीं, दांत मजबूत करके क्या चप्पल चबाएगा? नहीं भाई लोग, मैं आप लोगों का तकदीर भी नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं सड़क पे तमाशा करने वाला और देखने वाला दोनों का तकदीर खराब है। आप लोग सोचते होंगे ये आदमी इतना बड़ा नाटक करके ऐसा कौन सा चीज बेचने वाला है जो इस बंबई नगरी में मिलता ना हो। देखो दोस्तों, इस जादुई नगरी में वड़ा पाव से लेकर चिकन तंदूरी तक और आठ आने वाले बस से लेकर 8 करोड़ वाले हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। सिर्फ खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और वही आपके पास नहीं। सब कड़के है, कड़के है, कड़के है, सब कड़के है। यहाँ खड़े हर आदमी के दिल में कार में घूमने की और 5-स्टार होटल में खूबसूरत लड़की की बाहों में बाहें डालकर नाचने की इच्छा है। लेकिन जेब खाली है। मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे। बोलो सुनना है? सुनना है। देखो सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा वाला बनना है। लेकिन देखो मेरी जान, ये बम्बई है, यहाँ कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती, हर बात की कीमत चुकानी पड़ती है। अपन का एडवाइस भी फोकट में नहीं मिलेगा। चलो एक एक रुपया निकालो, चलो 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 भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो सबसे पहले तुम्हें ऊपर देखना सीखना पड़ेगा। यहाँ जो ऊपर देखता है वही जिंदा रहता है, नीचे देख फिर नीचे देखा। नीचे देखने वालों को बम्बई में जीने का कोई हक नहीं। यहाँ वही ऊंचाई को छू सकता है जो अपने मंजिल को सीढ़ी बनाए, और ये कभी ना सोचे उसके पैरों तले कौन जिया कौन मरा कौन कुचला गया। पलट कर देखने वालों के लिए बम्बई में कोई जगह नहीं। यहाँ धक्का मारो, अपना रास्ता खुद बनाओ। पहला सबक चल। राम राम पांडे चाचा। जी तेरा बेटा। आओ आओ जय बाबू, वाला है मियां को बम्बई। चाय पी के घर आ जा। हाँ, भाई जय। रफीक भाई बहुत थक गया, चाय दे दो। अब्दुल, राजू मियां को स्पेशल चाय पिलाओ। मेरे को काय को मार दे। व्हाट? अरे बेकरी में से केक रह के खाता है। मैं किधर खाया? मैं एक नरम पाव खाया और एक कड़क पाव खाया। चुप। रफीक भाई तुम हमेशा इसका साइड लेता है ना, ये अपुन के बेकरी में से रोज केक चुरा के खाता है। इसका पगार 10 रुपया और केक खाता है 15 रुपया का। तो फिर मेरा पगार बढ़ाओ। केक देगा? पगार बढ़ाओ, काम कर। चलो रफीक भाई एक गरम गरम चाय पिला। आओ मियां गुस्सा थूको। अब्दुल चाय दे। हेलो जोसेफ अंकल। गांव रे एक कटिंग। हाँ दे दे, एक कटिंग दे दे। वो एक कटिंग दे बस। ये लो, ये लीजिए रफीक भाई। अरे वाह जोसेफ मियां, ये हमको पैसा देता है। अरे रहने दे रहने दे, जब कमाने लगेगा ना तो सब वसूल कर लेंगे। रफीक भाई उधर एक पाव की मां देना। नमस्ते रफीक भाई। आदाब सिस्टर। आओ आओ। यारे बेबी कितने तो? अच्छी हूँ जोसेफ अंकल। क्या चाहिए? 4 अंडे एक ब्रेड। अब्दुल 4 अंडे लेके आना। आया। रफीक भाई हमिया, अगर राजू को मांगता है तो अपन के बेकरी में काम पे लग सकता है, पैसा भी मिलेगा। ख्याल तो अच्छा है राजू मिया, फिलहाल बेकरी में नौकरी कर लो, खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे नहीं नहीं रफीक भाई, मैं अपनी काबिलियत अपनी तालीम अपना ब्राइट फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। वो क्या ना जोसेफ अंकल, कि अगर मैं छोटा काम करूंगा ना तो छोटा ही बनकर रह जाऊंगा, स्मॉल। तो आपकी नजर में हर वो इंसान छोटा है जो मामूली काम करता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। नहीं आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं, मगर आपका मतलब तो यही था ना? नहीं आप गलत समझ रही हैं, मेरा मतलब था कि छोटा छोटा काम करते हुए आदमी की सोच छोटी हो जाती है, यू नो जिंदगी का मकसद छोटा जाता है, कभी कभी तो इंसान की तमन्नाएं छोटी हो जाती है, यू नो स्मॉल स्मॉल स्मॉल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मामूली काम करते हैं और अपने आप में बेहद खुश हैं? हाँ। फिर छोटा कौन है बड़ा कौन है इसका ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? देखिए रफीक भाई, मैं तो आपसे बात कर रहा था ना, बीच में टपकने के लिए मैंने तो निकाला इनसे। आपने बात ही ऐसी की कि कोई भी आता तो प्लीज। हाँ मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं आप सबको एक दिन बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या बनने आया हूँ यहाँ पर। सर, अंडे अंडे अरे कमाल है, ये भी ऊपर होती है तो पानी फेंकती है, नीचे आती है तो झगड़ा करती है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी।
अरे नौकरी का सपना देखते देखते बचपन से जवानी तक गधों की तरह किताबों का बोझ ढोता रहा, मास्टरों की मार खाई, दिन रात कागज के मुंह पर कालिक मलता रहा, क्या सीखा? संडे के बाद मंडे, रुपए के चार अंडे, खाए किसी और ने डंडे, अब राज कर रहे मुस्टंडे। क्या सीखा? 1 2 का 4, 4 2 का 1, क्या सीखा है? ऐसे नौकरी कैसे मिलेगी भाई? इस उल्टी दुनिया को सर के बल खड़े होकर देखोगे तो सीधी नजर आएगी। अपनी अर्जी पर वजन नहीं रखा, हवा में उड़ जाएगी। और वजन मेरे भाई कहीं रंग के होते हैं, कहीं ढंग के होते हैं। काले धन का वजन, गोरे तन का वजन, कहीं तीर का वजन, तलवार का वजन। को भी आज ही पटना था, इंटरव्यू है अब। सब ठीक, क्या जवाब दूंगा वहां पर अगर देख लिया? व्हाट हैपेंड मैन, तुम ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है? क्या हुआ राजू बेटा, क्या पांव में मोच आ गई है? अरे मोच वोच नहीं आई पांडे चाचा, ये जूता फट गया है मेरा, जूता फट गया। अरे हंस रहे, यहाँ इज्जत संभालने की प्रॉब्लम हो रही है, जानते हैं इंटरव्यू आज मेरा। अच्छा बेटा, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा, मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर पास होगे। गॉड ब्लेस यू मैन। अरे बेटा कहाँ जा रही हो तुम? बाबूजी सब्जियाँ लाने। तुम्हारे पैर में मोच आई हुई है, लाओ मैं ले आता। बाबूजी मामूली सी मोच है, मैं अभी आ जाऊंगी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। हर काम तुम्हें खुद ही करना है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जरा चाल तो देखो। वाह वाह, क्या चाल है, लंगड़ते जाओ लंगड़ते। वहां जाके पूछेंगे कौन है, हम लंगड़े हैं, लंगड़े लंगड़ों की तरह चलते रहो। ये क्या मजाक है जी? अरे बातों से बात नहीं बनी तो इन हरकतों पर उतरा है? क्या क्या मतलब आपका? मतलब क्या, शर्म आनी चाहिए आपको इतना बदतमीजी करते हुए। अरे क्या बदतमीजी की मैंने आपसे? हाँ, राह चलती लड़कियों की नकल करना, उन्हें छेड़ना बड़ी शराफत की बात है ना। देखिए सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए, आपको जाना, आप जाइए। मैं क्यों जाऊँ, आप जाइए। अरे आपको जाना ना, आप जाइए। अरे बड़े अजीब आदमी हो, मुझसे जाने को कहते हो, खुद क्यों नहीं चले जाते? ठीक है मैं ही जाता हूँ, कमाल है, हमेशा लड़ती रहती है। अरे फिर नकल कर रहे हो, गुंडा लोफर। अरे आप गुंडा लोफर किसे कह रही है? जानती हैं आप मेरी मजबूरी है जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करता आ रहा हूँ तब से मैं। ये देखिए जूता फटा हुआ है मेरा, आप तसल्ली हुई आपको? अरे मैं पहले से ही परेशान हूँ और आप गुंडा लोफर कहती जा रही हैं। मैं गुंडा लोफर नहीं हूँ मैडम, गुंडा लोफर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर वो घर बनाते हैं ना। अरे जूता फट जाता कोई गुंडा लोफर हो जाता है क्या? पहले से परेशान। इसको सी दीजिए प्लीज, इसका 20 रुपए लगेगा साहब जी। देखिए साहब इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इसी से काम चला लीजिए ना। वो क्या है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए पहुंचना है और मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं साहब 20 से कम नहीं होगा। ये लीजिए। दगड़ू ये लो और जल्दी कर दो। दगड़ू जी आप ये इनके पैसे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। देखिए मुझे किसी का एहसान नहीं, ये पैसे मैं आपको उधार दे रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ आप पर। जब नौकरी मिलेगी तो वापस कर दीजिएगा। आपको इस फर्म में हम कोई नौकरी नहीं दे सकते। मुझे ये नौकरी की, मिस्टर माथुर वी आर वेरी सॉरी, वी रियली डोंट हैव एनी वैकेंसीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बट सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर, आपको। मिस्टर माथुर आई एम सॉरी, हियर इज योर फाइल। बाबूजी मैं 2 मिनट नीचे होकर आऊं। बेटे क्या बात क्या है? मैं अभी आई बाबूजी, अभी। देखिए भगवान आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अरे क्या दार्जिलिंग से बंबई मुझे दर्दर की ठोकर खाने के लिए भिजवा दिया आपने? ये देखिए ये जेब खाली है मेरी, तकदीर फूटी हुई है और आज वो जूता भी फट गया मेरा। बाहर जाके देखिए आप। अरे एक लड़की से मुझे उधार लेना पड़ा, एक लड़की से भगवान। अरे सच मानो तो अब तो रोने को जी करता है भगवान, रोने को। लेकिन मर्द हो ना तो रो भी नहीं सकता भगवान। अब बहुत हो गया भगवान, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, प्लीज। हाँ
कुछ कीजिए मेरे लिए। अरे आप वो मैं पूछने आई थी। देखिए आप घबराइए मत, मैं आपके 20 रुपए लौटा दूंगा। पैसे के बारे में नहीं, वो इंटरव्यू में क्या हुआ? होना क्या है, उन लोगों को भी यही लगा कि मैं उनके फर्म के काबिल नहीं हूँ। तो फिर आपने क्या सोचा है? आप सोचने को रही क्या गया है? देखिए रेनू जी, आई एम वेरी सॉरी, उस दिन जोश में मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कर गया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आप ठीक ही कह रही थी। कोई छोटी मोटी नौकरी करने में बुराई क्या है? अच्छा हुआ आपने अपना इरादा बदल लिया। बाबूजी घर पर है, आइए ना उनसे मिल लीजिए, शायद आपकी कुछ मदद कर सके। नहीं आप आइए ना, अरे चलिए ना, चलिए चलिए। मैंने कावस जी के नाम चिट्ठी लिख दी है, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, जब तक तुम्हें तुम्हारे मतलब का काम नहीं मिलता तब तक यही नौकरी कर लो। चलो चलो चलो, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया, तुम लोग घंटी नहीं सुनते, 5:30 हो गया, बंद करो बंद करो, कम ऑन कम ऑन, प्लीज कम ऑन, नो 2 मिनट, कल 10 बजे आना, ओके, कम ऑन कम ऑन, निकला बंद करो बंद करो, चलो 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 चलो, अरे गीता निकला, कम ऑन पैकअप, चलो। बेटा तू खाता क्यों नहीं है, कितना दुबला हो गया है, हाँ खाया करो, काले हो जाए दिखरा, काले हो जाए काले। अरे राजू दिखरा, तूने घंटी सुना नहीं? बस ये आखिरी लिस्ट खत्म कर लूं कावस जी। नो 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 नो, कावस जी ने जिंदगी में ना कभी ओवर टाइम किया है, ना कभी किसी को करने देता है। इधर तो 10 बजे आने का और 5:30 बजे जाने का। तो आप 5:30 बजे हर रोज लाइब्रेरी बंद कर देते हैं? एग्जैक्टली 5:30 बजे। अरे ये तो बहु सारू कहवा है। ओ छोकरा तू भी सीखी गया। गीता वो फाइल मत भूलना। हाँ बाय बाय। अरे राजू हेलो हेलो हेलो, मैं आपसे नहीं मिलने आया हूँ रेनू जी, दरअसल आजकल मैं वो लाइब्रेरी में काम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ नुक्कड़ पे पान वाले को किताबें डिलीवर करने आया था, लेकिन उसकी दुकान ही बंद थी, मैं तो जा रहा था, मैंने ये बिल्डिंग देखी, ओ मैंने कहा ये तो रेनू जी की बिल्डिंग है, तो मैं बिल्डिंग देखने आ गया। गुड बिल्डिंग। पान वाले को किताबें देने आए? हाँ यही साइड में। तो किताबें कहाँ हैं? हैं मैं पकड़ा गया ना? पकड़े गए। गुड, एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता था। एक्चुअली मैं भी चाहती थी कि आप मुझसे मिलने आए। सच? चले चलिए ना, चलिए। अब्दुल पंडित को एक कटिंग मारना। आए दो पेशेंट का टेबल। एक मेरे टेबल पे रख। आजिद बिस्किट लाओ। अरे मियां जो मैं देख रहा हूँ तुम भी देख रहे हो? हाँ क्या हो? दोनों साथ साथ में? हवा का जहाज पानी में और पानी का जहाज हवा में। पानी छे। लो मैं देखूं। अच्छा अरे रफीक पतंग कटी। जय, तुम जानबूझकर बीच में से आया। अपना कुछ लफड़ा नहीं है। अरे उधर देखो ना, अब तो जाना पड़ेगा ना। कल तक तो वार था, अब दोनों में पीस हो गया, वार एंड पीस। अरे पाने पा। अरे क्या खुसुफुसु लगाए हो भैया, कभी लड़की नहीं देखे हो का? चलती। अच्छा एक मिनट, बाय बाय। जा रही हो? इधर ही आ रहा है। जमुर्रे, अब खोली नंबर 5 का दरवाजा खुलेगा, लड़की सूखा तौलिया सुखाने के बहाने बाहर आएगी। रॉक्सी में दिल दिया दर्द लिया। Thank you.
खाया। अब हीरो स्टाइल मारेगा, सबसे नजर बचाकर अपने लैला को इशारा करेगा। अब इशारा करेगा। अब लड़की शर्माकर लकड़े पर तबला बजाएगी, तिन नक तिन धा। अब लड़की तबला बजाएगी, तिन नक तिन था। बजाया। अब दुनिया के रस्मों रिवाज तोड़कर लड़की लड़के के तरफ उड़ता हुआ चुम्मा फेंकेगी, वो अजरुद्दीन की तरह कैच करेगा। अब लड़की चुम्मा फेंकेगी। क्या किया? अरे जय तो चैंपियन है यार, किधर दिखा? एक्सपीरियंस बोलता है भाई, एक्सपीरियंस। मतलब तूने भी प्यार किया? बहुत तगड़ा। क्या नाम था लड़की का? मधुमती। उस दिन तूने बंद नहीं कहा था? अरे वो दूसरी थी, पहले वाली मधुमती। बहुत तगड़ा प्यार किया। फिर शादी क्यों नहीं की? भूल गया। भूल गया? लड़की का बाप आएगा। ओ आ गए रे। अब क्या होगा? कुछ नहीं कुछ नहीं, गमले को पानी देकर चला जाएगा। गया गया। अर्ज करता हूं, वो बिजली का खंभा, ये पत्तों की आड़, हाय दिल से दिल टकराएगा। अरे भाई अब तो खंभा छोड़, नहीं सुनेगा। बताया अपने हीरो को क्या हुआ है? क्या हुआ? डफली।
600 रुपीस पूरा 600 रुपया है। अच्छा चलता हूँ। अरे पन गधेरा अगल तो समझ, ये मेहनत का पैसा है, सोची समझी ने खर्चा करना। अरे 600 रुपए में क्या सोचेंगे क्या समझेंगे कावस जी, मगर फिर भी थैंक यू। अब जाऊँ? हाँ जाओ जाओ ना भाई, रोका किसने है, जाओ। अच्छा साहब जी, साहब जी। मनोज मैडम को चने दो। अरे मेरे पास छुट्टे नहीं मैडम, छुट्टे क्या मनोज, बड़े बड़े हरे हरे नोट सब हो गए। हाँ साला मैं तो साहब बन गया, अटेंशन ये लीजिए। अरे क्या रेनु, ये हर रोज यहीं पर बैठकर हम चने खाते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अरे चाइनीज खाते हैं। आप सारे महीने की तनख्वाह एक ही दिन में खर्च कर देंगे? हाँ? हाँ। फिर उधार मांगते फिरेंगे? तुम दोगी ना? बिल्कुल नहीं, अरे कहीं नहीं जाना, इतनी अच्छी हवा चाहिए, यहीं बैठे रहो यहीं बैठे रहो। अरे हर रोज तो यहीं बैठ जाते हैं, देखो ना कितने सारे पैसे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं मुझे खर्च करने सारे। हाँ अच्छा एक एक रख लो, ये भी रखो, बस अब बाकी सारा पैसा हम जाकर खर्च करेंगे। अरे खर्च क्यों करेंगे? अरे बस मत करो, हम जाके वहाँ पे चाइनीज खाएंगे। हाय तलाला पाए तलाला बाओ, अरे चलो तो सही ना रेडू, हाय तलाला खाए तलाला। चलते चलते बहुत थक गए, एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेते हैं। तुम फिर शुरू हो गए? अरे चलो चलो घर। नहीं 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 घर नहीं जाएंगे, घर हम जाएंगे तो गाड़ी में जाएंगे अब। अरे पागल तो नहीं हो गए? जेब में देखा है कितने पैसे हैं? पैसे तो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन तमन्ना इतनी। तमन्ना से गाड़ी नहीं आती, चलो। नहीं नहीं तमन्ना से सब कुछ होता है, चलो ना थोड़ी देर के लिए चलो ना। अरे नहीं कोई जरूरत नहीं, आज मुझे तुम मत रखो, चलो चलो ना रेनू, चलो चलो तो सही ना। जाने की क्या, अरे देख सकते हैं ना मुझे गाड़ी खरीदनी है, तुम समझती हो बिल्कुल। हेलो हाँ हमें गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है आपको? जी आप दोनों को? हाँ हम दोनों गाड़ी खरीद जी हम। देखिए अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछे। आप जिंदगी में पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं है ना? हाँ है ना। हाँ। मैं भी जिंदगी में पहली बार गाड़ी बेच रहा हूँ। अरे वाह, इस शोरूम में आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। बहुत बढ़िया, वापस दे। आइए आइए, मैं भी गाड़ियां देख लेता हूँ जरा। आइए आइए। देखिए हमें कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, आप चलिए। तुम चलो। रेनू एक मिनट, बेचारे की शक्ल तो देखो, इसका दिल टूट जाएगा, आज पहला दिन है इनका नौकरी पर। सर आप फिक्र मत कीजिए, आप ये बताइए कि आपकी गाड़ियों में क्या क्या खूबियां हैं।
खूबी खूबियाँ, एक हो तो बताओ, एक हो तो बताओ। मैडम मेरी गाड़ियों में खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। आइए मैं बताता हूँ। आइए देखिए मैडम, क्या गाड़ी है, क्या बॉडी है, क्या कलर है, क्या साइज है, क्या मॉडल है, क्या वाइपर है। आइए अंदर देखिए, अंदर देखिए, अंदर देखिए। एयर कंडीशनिंग, स्टीरियो सिस्टम, फ्लो शिफ्ट गियर, बकेट सीट, सब कुछ है मैडम, सब कुछ। आइए आइए देखिए, आइए अंदर देखिए, देखिए देखिए। अच्छा देखिए, अब चलें। हम थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ सकते हैं? अंदर आपको अंदर बैठ सकते हैं। आइए आइए आइए। नहीं मैडम, मैडम आइए आइए, आप अंदर बैठे, आइए प्लीज कम। आप एक मिनट, रेनू रेनू बैठो ना, एक मिनट बैठना अंदर। मैं उस तरफ से जाकर बैठता हूँ। रेनू ऑल राइट, मैं आ रहा हूँ। हेलो मैडम, चलिए एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चलते हैं। एक्सक्यूज मी, हम शीशे चला कर देखते हैं अंदर से कैसी दिखती है गाड़ियाँ। थैंक यू रेनु, जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ी है उनको कितना मजा आता होगा ना। अच्छा लगता है। राजू वो वहाँ खड़ा है, तुम ठीक से बैठो। अरे रेनु कुछ नहीं देख सकता, मैंने शीशा ऊपर चढ़ा दिया, अंधेरा हो गया बंदर। मगर वो तो इसी तरफ देख रहा है ना। अरे तुम इस तरफ देखो ना, उधर मत देखो। कितनी अच्छी लग रही है, 21 थे तो ना। राजू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं बिल्कुल ठीक नहीं, खराब है। करे बंबई में बार बार ऐसा मौका कहाँ मिलता है। राजू प्लीज, नहीं तो वो कुछ नहीं देख सकता, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें। प्लीज रेनू, अरे रुको ना रेनू, रुको। सॉरी वो बहुत देरी हो गई थी ना। अरे रेनू क्या हो गया आप सब ठीक? अरे साहब गाड़ियाँ तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन मैडम का मूड खराब है। राजू देखो बहुत हो गया, चलो ना प्लीज। मैंने कहा ना मैडम का मूड खराब है, आप समझाइए ना, समझ जाना रेनू। देखिए मैडम आप अपना मूड ठीक कीजिए, देखिए इट्स अ फैंटास्टिक कार। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गाड़ी कितनी प्यारी है। क्यों और इस गाड़ी को देखो कितना खूबसूरत रंग है। डार्लिंग हम दोनों गाड़ियाँ लेंगे। दोनों? हाँ दोनों, हम दोनों गाड़ियाँ लेंगे, ये भी और ये भी। फैंटास्टिक आइडिया सर, फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन हम दोनों गाड़ियों का करेंगे क्या है ऐसे? डार्लिंग एक में मैं सब्जियाँ खरीदने जाऊंगी मार्केट, और दूसरी में तुम बबलू और पप्पू को स्कूल जो छोड़ने जाओगे। हाँ बबलू पप्पू, बबलू पप्पू हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बबलू और पप्पू। बबलू पप्पू फैंटास्टिक नेम सर, क्या बच्चे हैं। देखिए सर आप तो निकल गए, आप तो बिल्कुल निकल गए। मैडम का मूड ठीक हो गया, देखिए मैं जाके गाड़ी को पैक कर देता हूँ, मेरा मतलब है मैं जाके बिल बना देता हूँ। एक मिनट, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम लवचंद कुकरेजा। लवचंद कुकरेजा साहब देखिए ऐसा है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है और दो गाड़ियां खरीदने आए थे मैडम को। चलो रेनू लेट्स गो, बाद में। एक मिनट, लवचंद जी एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा और इनके लिए गाड़ी खरीद कर ले जाऊंगा, ये वादा रहा। बाय, चलो। Nice couple. Hey, भाई ये क्या है? सॉरी साहब रिजेक्शन लेटर्स है। क्यों नौकरी नहीं मिली क्या? अरे कहाँ, तुम्हारे शहर में मिलती है नौकरी हमको। मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। सॉरी आप राजू कैसे हो? अरे सॉरी बाबा थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन इस लिफाफे में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। चने खाओगे? अरे लो चने खाओ। अरे मुंह फुलाए क्यों बैठे हो तुम? हा? तो फिर क्या ही ही करके हंसू तुम्हारी तरह? क्यों नहीं। अरे बंद करो हंसना, बेकार शहर है तुम्हारा। अरे एक करोड़ की आबादी है यहाँ पर और
एक आदमी को नौकरी नहीं मिलती। ए देखो बंबई को कुछ मत कहना, बंबई ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? फाड़ गई तुम्हारी बंबई, तेरी बंबई की। अरे राजू, राजू कौन है? ए क्या है, क्या दिखता नहीं क्या तेरे को? अरे सॉरी मिस्टेक हो गई भाई, लगी तो नहीं कहीं, आके बैठ लगे रहो। आराम से किसी को लग जाएगा, मगर मैं क्या करूं, पता नहीं कहां कहां से निकल रहे हैं ये लोग। पहले भी वो मेरी तो समझ में आ गया, इस शहर में मेरा कुछ नहीं होने वाला बंबई, मगर हमारी किस्मत में वो कावस जी की सड़ी लाइब्रेरी में काम करना लिखा है बस। बेचारा राजू, चने खाओ। लेकिन इस लिफाफे में एक ऐसी बम्पर लॉटरी है जिसे खोलते ही तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अरे गाड़ी बंगला पैसा सब होगा तुम्हारे पास, देखो तो सही। नहीं नहीं, अरे देखो तो सही, मेरी किस्मत में कोई लॉटरी वॉटरी नहीं निकलेगी। राजू, वो तुम्हारा इंटरव्यू कॉल था ना? मेरा इंटरव्यू कॉल था, वो भी हमारी कंपनी से, झावड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी। और तुमने फाड़ के फेंक दिया। अरे तो तुमने फिर दिया क्या मुझे फाड़ने के लिए? अरे उठा वहां से वो देख, वो अरे मेरा इंटरव्यू कॉल है भाई जरा। अरे आप लोग रोमांस बाद में कीजिए ना, जरा सही मेरा इंटरव्यू कॉल है साहब। अरे आप लोग जाइए ना इधर से प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलो तुमने भी बताया नहीं मुझे। अरे ये लो, अब क्या होगा? अब क्या होगा, चिपका देंगे इसे और क्या। घर में एनुअल रिपोर्ट पड़ी है, उसे पढ़ लेना ठीक से। जी मैं ऋषि वासवानी, यहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मिस्टर वासवानी आप वहाँ बैठ जाइए। चलिए चलिए। थैंक यू। चलिए चलिए, मीटिंग का टाइम हो रहा है। मिस्टर राजमाथुर जी, प्लीज आप अंदर जा सकते हैं। यस। दल की जात किसने की? वी डोंट नो। अब ये हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज का सस्पेंशन एक्सेलेंट, एक्सेलेंट कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल। वी डोंट नो। मे आई कम इन सर? यस यस प्लीज कम इन, कम इन मिस्टर माथुर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज बी सीटेड। मिस्टर माथुर आपने तो सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ डिप्लोमा किया है, हमें तो डिग्री होल्डर्स मिल रहे हैं। राइट। अब मैं आपका मतलब समझा नहीं सर। इनके कहने का मतलब है हम आपको नौकरी में क्यों रखे, व्हाई व्हाई, मैं राइट सर? यस। क्योंकि डिग्री से सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है सर, अकल नहीं। जो आप में है। जी हाँ। आप इसे साबित कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कैसे? अब मिसाल के तौर पर आप ही के बनाए दिल्ली में शक्ति नगर कॉम्प्लेक्स को ले लीजिए, जिसपे आपको बड़ा नाज है। नाज क्यों नहीं होगा, दिल्ली के सबसे पॉश और अच्छे कॉम्प्लेक्स में से एक है, यू नो। दैट्स वेरी ट्रू सर। और इस कॉम्प्लेक्स की लागत तकरीबन 30 करोड़, एम आई राइट सर? 30 करोड़। द आरसीसी कंपोनेंट 15 करोड़। राइट। कितने पैसे की फजूल बर्बादी। व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है कि अगर इस फाउंडेशन के लिए आप रबल मेजनरी यूज करते तो आपके आरसीसी की बचत होती 15%। 15%? जी हाँ 15%। और अगर आप लोड बेरिंग ईंट की दीवारें इस्तेमाल करते तो आपके आरसीसी की बचत होती 35%। 35 + 15%? यू मीन 50%? करेक्ट, 50। मेजनरी, ईंट, मजदूरी, इसका खर्चा आता 2.5 करोड़। और जहां पर आपने 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वहां पे आपका पूरा खर्चा आता सिर्फ 10 करोड़। अब आप इसको चाहे 5 करोड़ की बचत कह लें या फिर 5 करोड़ का फायदा। सर एक सर, तुम्हारा कंप्यूटर क्या कहता है? ही इज एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। मोदी, ये कॉम्प्लेक्स किसने बनाया? सर मैंने नहीं। तो आपने बनाया था ये कॉम्प्लेक्स? यस सर, बट इसका मतलब है सर कि ये नौकरी मुझे ही मिलनी चाहिए। थैंक यू। ऑफ कोर्स यू गॉट द जॉब, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस माय बॉय। थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझे जरा बाद में मिलिएगा सक्सेना साहब। यस सर। हमारी बस्ती में मच गया।
है मस्ती में जो आज हमारी बस्ती में मच गई धो रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में जो अपना राजू हीरो है और हम राजू के फैन के राजू बन गए जेंटलमैन 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 से निकला है पानी का फवारा अपने ही धुन में दिल में क्या है मेरे सबसे छुपा राजू बन गए जेंटलमैन राजू बन गए जेंटलमैन राजू बन गए करे है पैसा दुनिया का भगवान है पैसा तू भगवान है कैसा अब ये बात समझ में आई तू भी अपने जैसा पैसा 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 जेंटलमैन यह है प्रोजेक्ट ड्रीमलैंड इसे मैंने अमेरिका में एक सीनियर आर्किटेक्ट की मदद से इंडियन मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है इसमें 12 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होंगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्लेग्राउंड्स जॉगर्स पार्क और स्विमिंग पूल भी होगा
कहिए आप लोगों की क्या राय है? सुपर्ब मैडम। यस यस वेरी गुड। स्विमिंग पूल इज अ वंडरफुल आइडिया मैडम। एंड द जॉगर्स पार्क इज यूनिक। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये अपना अपने जैसा पहला ही प्रोजेक्ट होगा। हाँ, और फिर क्यों ना वहाँ एक डिस्को बनाया जाए। बेक इनफैक्ट मैं एक जिम्नेजियम भी बनाना चाहती हूँ जिसमें टेनिस कोर्ट होंगे। इट्स एन एक्सलेंट आइडिया मैडम। इससे इससे हमारे कॉम्प्लेक्स की बुकिंग जल्द से जल्द होगी एंड इट विल बी हाउसफुल। नो यस नो डाउट अबाउट इट। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये नहीं तो वेट अ मिनट। कौन है ये? हु इज दिस पर्सन? मैं मिस्टर राजमाथुर। ही इज राजमाथुर। ही इज असिस्टेंट इंजीनियर। अब ये भी ज्वाइन कैसे? थैंक यू सर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, और अगर आपको हंसना ही है तो बाहर जाकर हंसिए। नहीं मैडम, हंसा हंसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? बस मैं ऐसे ही सोच रहा था मैडम कि ऊंचा बोलो। आई एम सॉरी। ये जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, ये सिर्फ आम जनता के लिए है। हाँ क्यों? तो फिर ये स्विमिंग पूल, जॉगिंग पार्क, जिम्नेजियम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग किस दुनिया में रहते हैं। जी बैठ जाऊं? क्यों, इसमें बुराई क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? सर देखिए, मैं कहना ही चाहता हूं कि क्या है जी? सर मैं कहना ये चाहता हूं कि जिन लोगों की जिंदगी की भाग दौड़ी उनके लिए जॉगिंग है, जिनके छोटे छोटे बच्चे टूटी हुई लकड़ियों के साथ हॉकी खेलते फिरते हैं, मैडम हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और फटी हुई गेंद से फुटबॉल उछालते फिरते हैं, उन लोगों के लिए स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और सर ने कहा डिस्को, ये सब सोचना भी एक भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है? यू टेल मी। मैडम मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मिडिल इनकम क्लास वाले लोग हैं ना, इन लोगों को स्टेटस विटेटस नहीं चाहिए, इन लोगों को चाहिए फैसिलिटीज। फैसिलिटीज इनको आप जिम्नेजियम मत दीजिए, इनको आप दीजिए एक स्कूल, एक बस स्टॉप दीजिए, एक हॉस्पिटल दीजिए, आप साफ पानी पीने की सुविधा दीजिए, जैसे कि ये पानी, ये दिस आई एम सॉरी। अगर आप उनको ये सब देंगे ना मैडम, तो आपको दुआएं देंगे, और कहीं आपने अगर उनको ये नहीं दिया तो आपका जो ये ड्रीम लैंड प्रोजेक्ट है ना, एक खंडर बन जाएगा और रुइन, मैं बता रहा हूं। क्योंकि अमीर लोग तो इतनी दूर फ्लैट खरीदने जाएंगे नहीं, और जो मिडिल इनकम क्लास वाले लोग हैं ये वाला फ्लैट अफोर्ड कर पाएंगे नहीं। आई एम राइट सर? यस। नो अगर नो है तो फिर इस मीटिंग का मतलब क्या हुआ सर? इट्स अ लॉस, इट्स अ टोटल कंप्लीट लॉस, मैं कह रहा हूं आपसे मैडम। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मैं प्लीज सर ये मिस्टर सक्सेना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग? तुम होते कौन हो हमें मशवरा देने वाले? हाँ सर, मैं इज ओनली डिप्लोमा होल्डर सर। मिस्टर सक्सेना, आप इन्हें बोर्डरूम में बात करने का सलीका सिखा दीजिए। यस सर। लेकिन डॉक्टर मोदी, आई डोंट वांट टू सी इन द बोर्डरूम अगेन। व्हाई? दैट्स राइट, गेट इट? राइट सर। सर सक्सेना, यस सर, तुम समझे ना मल्होत्रा साहब ने क्या कहा? जी सर। देन हरी अप। यस, मैं 5 मिनट में आपके कमरे में आता हूं। मगर मैंने किया क्या सर? तुम बहुत ओवर इंटेलिजेंट हो गए। सारा डाटा लेके बोर्ड में नीचे तो आप कह रहे थे कि चल रहे, डोंट आर्ग्यू इन द बोर्डरूम प्लीज। यस सर, सॉरी। कम जी, फॉलो मी, टेक योर फाइल, कम। गुड डे एवरीबॉडी। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताइए कि मेरा जुर्म क्या है? सॉरी, जुर्म नहीं, बेफिक्री का बरखुरदार, बेफिक्री, केयरलेसनेस। बट तुमने मैनेजमेंट से सीधे टक्कर लेने की कोशिश की। टक्कर कहां? यू नो दैट, जिस कंपनी से तुम तनख्वाह लेना चाहते हो, सपना मैडम उसी कंपनी के मालिक मिस्टर छाबरिया की इकलौती बेटी है। जी जी हाँ सर 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 सर, आपके पास कोई रिवॉल्वर, कोई चाकू, कोई खंजर, कोई ब्लेड? ब्लेड जी, मुझे क्या कोई पैकेट मार समझ रखा है क्या? नहीं सर। सर मेरी बात तो सुनिए ना सर, ये अकल पे तो मेरे पत्थर पड़ गए थे सर, ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। बड़ी आसानी से चली भी जाएगी मियां। पता है इन्होंने बोर्ड मीटिंग में क्या कहा? इन्हें गरीबों के लिए बस स्टॉप चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इन्हें जॉगर्स पार्क नहीं चाहिए, इन्हें स्विमिंग पूल नहीं चाहिए, जिम्नासियम नहीं चाहिए। भाई क्या चाहिए? इन्होंने बोर्ड मीटिंग में कहा। अरे कहा कहा तो कहा, ठीक है, लेकिन किससे कहा पता आपको? किससे? सपना मैडम से। अरे रेनू, हफ्ते भर पहले तुमने इसका वो अपॉइंटमेंट लेटर टाइप किया था ना, अब इसका डिसमिसल लेटर टाइप कर दो, नौकरी गई। आई न्यू इट। अब बताओ क्या होगा? अरे सक्सेना साहब को मुझे बताना चाहिए ना कि वो बॉस की बेटी। हुआ क्या राजू? रेनू मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब मुझे सपना आना था कि सपना जी बॉस की बेटी है, मैं बेकार में ही ऐसे ही उलझ पड़ा उनसे मीटिंग में। गॉड, अब क्या होगा? अब मेरा है। यस नहीं, मैं नहीं। राज, तुम्हें छाबड़ी साहब ने अपने कमरे में बुलाया है। देखा, मेरी तो नौकरी गई। रेनू मुझे ये नौकरी खोनी नहीं है। तुम ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ऊपर जाकर उनसे माफी मांग लेना, बड़े लोग अक्सर छोटी बातें भूल जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है, वो गुस्सा करके मीटिंग छोड़कर चले गए थे वहां से। अब बुलाया है तो ऊपर जाना ही पड़ेगा राजू। अब बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। मैं अब रेनू, तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं राजू, मैं यही हूँ।
तुम यही हो ना? तुम मत जाना प्लीज। मैं यही हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, घबराना मत। एक मिनट। थैंक यू। यस। एक्सक्यूज मी। कम इन मिस्टर माथुर। थैंक यू सर। सर, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। सर, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी वहां पर सर, और मुझे बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए थी सर, हरगिज नहीं करनी चाहिए। सॉरी सर, आप देख रहे हैं कितना परेशान हूं मैं। वो क्या है सर, मुझको बचपन से एक प्रॉब्लम है सर, मुझको रात को नींद नहीं आती सर, नींद नहीं आती मुझको, और जब सर नींद नहीं आती ना मुझको, तो मैं जागता रहता हूं, और सर जब मैं जागता रहता हूं तो मैं सोचता रहता हूं, यू नो, थिंकिंग थिंकिंग। मैडम यही प्रॉब्लम है मुझको, रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो मैं जागता रहता हूं, जागता रहता हूं तो मैं सोता नहीं हूं, मैं सोता नहीं हूं तो सोचता रहता हूं, सोचता नहीं हूं मैडम तो बोलता रहता हूं। आप तो मेरी प्रॉब्लम समझ रही ना मैडम, आई एम वेरी सॉरी। देखिए इस वक्त भी मैं कितना बोल रहा हूं, क्योंकि रात को मैं सोया नहीं हूं ना, और कल रात को मैं कुछ और सोच रहा था मैडम, और मीटिंग में कुछ और बोल रहा था सर, और सर यही बोलने और सोचने की उलझ में मैं उलझ गया, मैडम उलझ गई, और मेरा ये हरगिज़ इरादा नहीं था कि आपको मैं परेशान करूं सर, यू नो आई एम ऑल्सो वेरी अपसेट सर, सॉरी। पानी पियो सर। ये थैंक यू मैडम। प्यास भी बहुत लगती है सर, नींद ना आए तो। थैंक यू मिस्टर माथुर जी। बोर्ड मीटिंग में आपने जो कुछ कहा था, जिन सजेशंस पर आपने अपनी तरफ से बहुत जोर दिया था, मैं चाहूंगी कि वही सजेशंस आप दोबारा हमारे सामने रिपीट करें। सर, बोर्ड मीटिंग में मैं तो इतना ही कहना चाह रहा था। तो फिर कहिए ना जी। मैडम, बोर्ड मीटिंग में मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब आप समझी नहीं। तो फिर आप मुझे समझाइए मिस्टर माथुर जी। ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। मिस्टर माथुर, आपकी सजेशंस सपना और मुझे बहुत पसंद आई हैं, और हमने फैसला किया है कि आपको प्रमोशन दी जाए। थैंक यू वेरी मच सर। आपको पसंद आया ना मेरे सजेशन सर? सर, मेरे पास और इतने अच्छे अच्छे आज के लिए तो इतना ही बहुत है। मिस्टर माथुर, मेहनत और लगन से काम करने वालों की हम इज्जत करते हैं, पर एक चीज का ध्यान रहे, I want results. Otherwise, you are out. मैं समझ गया सर। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। Thank you very much. सपना जी, तुम्हें कुछ कहना? आज से हम दोनों साथ काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। I wish you all the best. सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन में है तो भी तू।
मौसम उस रंग में ढलता है जिस रंग में तू आ जाए। मेरी सुबह और शामें है तेरी पलकों के साए। जमाना आ गया गुप्ता। क्यों सर? कल तक जो छोकरा मेरे अंडर काम करता था आज मुझे उसके अंडर काम करना पड़ा। मेरा बॉस जो हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। देखा इस कंपनी में मैंने कितने साल दिए। जी सर। मेरी एक इज्जत है यहाँ, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। इसके लिए इतना बड़ा केबिन ये तुमने बनवाया? जी सर। मेरे लिए नहीं बनवा सकते थे? छी कम इन। मैं कम इन सर। हां मैं सक्सेना, कम इन, अंदर आइए ना। कम। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, आपकी डकारें कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वैसे मैं आपसे एक ऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल बात करने आया था। जी हाँ कहिए। वो जो हमारे यहाँ सीमेंट सप्लाई करता है जी, वो कभी कभी करता ठीक है, कभी कभी ढीले कर देता है। उसके लिए मैंने गुप्ता ने कुछ कहा था, बोलू ना? हाँ सर, उसको जरा टेबल के नीचे से हाथ मिलाया जाए ना सर, थोड़ा सा अगर दे दे तो। आपका मतलब है रिश्वत? जी सर। मेरे रहते हुए ये हरगिज़ नहीं होगा। देखिए साहब, हम लोग जेन्युइन माल लेते हैं और पूरी पेमेंट करते हैं, तो ये रिश्वत विश्वत की देने लेने की बातें मेरे सामने ना ही करें तो अच्छा है। मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? क्या? तुम तो बस करेक्ट सर, गुड डिसीजन, आई लाइक इट। चलो बहुत हुआ, चलो। सॉरी सॉरी सर, बाय। गुड डिसीजन। मुझे मालूम है। बाय बाय। कैसे अकड़ रहा था? हाँ? इतना बड़ा केबिन जो मिल गया है। जी सर। बट इट्स ऑल माई सेक्रीफाइस, ये मेरा बलिदान है। अच्छा केबिन बड़ा सुंदर था नहीं? छोटे छोटे कंप्यूटर, लाल लाल टेलीफोन, पेपर वेट, इट्स नाइस एटमॉस्फेयर। और वो कुर्सी देखी आपने? कुर्सी सर। गुड मॉर्निंग। हाय रेनु जी, हाउ आर यू? है ना, सारी जिंदगी इन्हें भी जी जी कहकर पुकारना पड़ेगा। जी सर। चलो बैठो इस पर और बताओ इस जगह की ताकत महसूस होती है तुम्हें? इस कुर्सी की पावर फील होती है? नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल सच नहीं लगता, एक सपना सा लगता। अरे ये सपना नहीं है, हकीकत है ये, हकीकत। कामयाबी की सीढ़ी पर पहला कदम है मेरा ये, और अब देखना इसके बाद मिस्टर राजमाथुर कहां से कहां निकल जाता है और अपनी रेनू को भी साथ ले जाएगा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, कैप्टन राजमाथुर आपको हवाई उड़ान के लिए ले जाने के लिए तैयार हैं। आपका प्लेन शुरू हो गया है। अब ये धरती छोड़ चुका है और हवा में उड़ना शुरू हो गया है। ऊंचा जा रहा है, ऊंचा जा रहा है, बादलों को चीरता हुआ आसमान से भी आगे। मत करो। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रहने दो। अच्छा एक बात बताओ भाई, आज शाम को आप क्या कर रही हैं मिस रेनू? मैं कुछ नहीं। अच्छा कि आप कुछ नहीं कर रही, हम ऐसा करते हैं आज हम शाम को ताज में डिनर करते हैं।
ताजमहल जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बहुत महंगी जगह है, बहुत पैसे लगेंगे। हम कोई छोटी मोटी। अरे रेनू, ये छोटी मोटी बातें आप छोड़ दो, बड़े लोगों की तरह सोचा करो। हम वहाँ पे जाएंगे, खाना खाएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे। नहीं राजू, नहीं ऐसे। एक्सक्यूज मी, टेलीफोन। हेलो जी, कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ मैं अभी आता हूँ। सपना जी का फोन था, शायद कोई जरूरी काम आ गया, मैं जाऊँ? जाओ जाओ। ऑफिस के बाद मैं गेट पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम वहां पे जरूर आना। और ये पीछे। अरे बाय बाय। अरे वो रेनू खड़ी है, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ए चलना, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? आज मैं राजू के साथ बाहर जा रही हूँ डिनर पे। सच्ची? मुझे भी साथ ले चलना प्लीज। नहीं नहीं, तुम घर जाओ, कबाब में हड्डी। ठीक है ठीक है, हमारे भी दिन आएंगे तो देख लेंगे तुम्हें। गॉट सम प्लान्स, आउच। और हाँ, इस बार सोना मत भूलना, ये तो फिर हर बार आ जाओगे। दरवाजा नहीं खोलोगे? थैंक यू। सपना जी, मैं आपसे एक बात और। चलो ऑल द वे। अरे रेनू जी, आप यहाँ? अच्छा 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 अच्छा, राजू जी के लिए इंतजार कर रही ना? लेकिन वो तो गए सपना जी के साथ दिल्ली, बहुत जरूरी मीटिंग है। आपको बता के नहीं गए? नहीं, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, पता नहीं कब आएंगे। अब आएंगे भी या नहीं, वी डोंट नो दैट। चलो, सी यू टुमारो इन द ऑफिस। बाय बाय। ऐसा होता है मोहब्बत बम्बई में, एकदम फिक्स फॉर्मूला। छोकरा छोकरी से मिलेगा, क्या बोलेगा? हेलो टीना, हाय टोनी, हाय क्यूटी, हाय ब्यूटी, हाय हैंडसम, बोल के छोकरा छोकरी के पैर में, समझो मोहब्बत का गल्फ और चालू हो गया। अब दोनों लव स्टोरी का फिल्म साथ साथ देखे रोएगा, भेलपुरी खाते खाते साथ साथ हंसेगा, इवनिंग के टाइम पे साइकिल पे घूमेगा लेकिन नजर कार की तरफ रखेगा। अगर कार वाले लड़के ने लाइन क्लियर का सिग्नल दे दिया, फटक से लड़की कूद के गाड़ी के अंदर। अगर गाड़ी वाली लड़की हो तो लड़का अंदर। इसी एक का दिल टूटकर गटर में बह जाएगा, जिंदगी की लोबान से धुआं निकलने लगेगा। अरे दोस्तों, इस बंबई शहर में झगड़ा करने से सर फूटे ना फूटे, लेकिन मोहब्बत करने से दिल टूटने का गारंटी। इसलिए इस नगरी में साइकिल से मोहब्बत करो, बड़ा पाव से मोहब्बत करो, खाटले से करो, गिल्ली से करो, डंडे से करो, चाइनीज फूड से करो, लेकिन छोकरा छोकरी आपस में दिल मत लगाओ, टूटने का गारंटी। चलो अब इस सलाहकार के लिए एक एक रुपया निकालो, चलो जल्दी 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 जल्दी। आपके फ्लाईओवर के डिजाइन के बारे में काफी कंप्लेंट्स है मिस्टर बढ़िया। आखिर प्रॉब्लम क्या है सर, कुछ तो बताइए। आपने अपने डिजाइन के अंदर साउथ एंड की फाउंडेशन 9 फिट दिखाई है और नॉर्थ एंड की फाउंडेशन 4 फिट दी है, ये डिफरेंसेस हमारी समझ में नहीं आया। सर वो क्या ना कि जो साउथ एंड की जमीन है ना सर, उसके 2 फीट नीचे से 6 फीट नीचे तक दलदल भरा हुआ है इसलिए। What do you mean? I'll tell you what I mean, सर। वो क्या है कि वहां पर एक तालाब था सर, और कुछ 15-20 साल पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसमें मिट्टी भर दी, मड। पर आप ये बात दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे दावे के साथ कह सकता हूँ ना मैं सर, क्योंकि मेरे पास ये ये वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड्स की कॉपीज है मेरे पास, आप इन्हें देखिए। और ओ यस, लेकिन किसी और पार्टी ने अपने टेंडर के अंदर ये पॉइंट क्यों नहीं कवर किए? सर इसकी 2 वजह हो सकती है सर, एक तो ये कि शायद उन लोगों को इस बात की जानकारी ही ना हो, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत रिसर्च किया ना इसकी, नहीं। और दूसरी ये कि सर शायद वो आपको जानबूझकर इसका ना बता रहे हो, कि जब एक बार काम शुरू हो जाए तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा वर्क कहकर आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज ले सके। आप दूसरी कंपनी से पूछिएगा सर प्लीज। नहीं जेंटलमैन, आई थिंक ही हैज गॉट अ वैलिड पॉइंट। थैंक यू सर, ही इज क्वाइट करेक्ट सर। अच्छा बढ़िया। यस सर, द कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज योर्स। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये दूसरी कंपनी जरूर पूछेगा आप। बाय, थैंक यू, थैंक यू। अरे हेलो, ये मार्बल ना स्लिपरी। हाँ ये मेरे कमरे की चाबी, मैं आते वक्त ले लूंगा, हम डिनर पे जा रहे हैं।
ये मच्छर बहुत है आपके में। मुझे बहुत देर हो गई, चाबी लीजिए चले चलो। अच्छा हुआ हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, नहीं तो क्या बात है, चलना नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलिए सपना जी। ताज क्या बात है? कोई बात नहीं सपना जी, चलिए। झूठ मत बोलो, बात क्या है? नहीं कोई। सपना जी आपके पास साड़ी नहीं है? साड़ी जी, मैंने आज तक मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। तुम्हें साड़ी अच्छी लगती है? नहीं नहीं मुझे हर ड्रेस अच्छी लगती है, ये भी अच्छी है, लेकिन लोग आपको देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ड्रेस बदल कर आती हूँ। हाँ भैया आप ड्रेस पर बदलिए, आप ऐसा कीजिए ना ये जैकेट पहन लीजिए। राज ये जैकेट इस ड्रेस का बहुत अच्छा लगेगा, जेन्युइन लेदर का है ना जी। पहना दो मुझे। थैंक यू, ये अच्छी लगेगी। अब जी चले? जी हाँ चलते हैं। चलो अब मच्छर भी नहीं काटेंगे। सपना जी आपने फाइव स्टार होटल्स में तो बहुत खाया होगा, आज यहाँ पर भी खा के देखे। हाँ शुक्रिया, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गए। अरे आप देख क्या रही हैं, आइए ना। हाँ जल्दी जल्दी खाइए, बेकार मत कीजिए। हाँ अच्छा ना, गुड गुड गुड। ये प्याज खाएंगे आप? नहीं प्याज अच्छा हो रहा है, पड़ा भी मुझे खाने में जरा नमक कम लग रहा है। और मुझे मिर्ची बहुत लग रही है। मिर्ची लग रही है? पानी पीजिए ना, अच्छा पानी है। साफ है साफ है, दिल्ली का पानी बहुत साफ होता है। अरे भाई बादल थोड़ी सब्जी भी लेके आना भाई। हाँ सब्जी। अरे राज उसे कहना एक नैपकिन दे दे प्लीज। नैपकिन? सप्ता जी यहाँ नैपकिन नैपकिन नहीं होता है, यहाँ पे तो ऐसे ही देखे कीजिए, ऐसे कीजिए, करिए करिए, अच्छा कीजिए ना। लोग देखते हैं। अरे यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे तो सभी ऐसा करते हैं सपना जी। हाँ डाली डालिए एक उंगली दूसरी उंगली अच्छा लग रहा है ना। तीसरी अरे अंगूठा मत खा जाइएगा। हाँ ये लो छोटू दादा, थैंक यू। अब सपना जी अस्सी तुसी पियांगे लस्सी। इतना बड़ा ग्लास? हाँ यहाँ तो ऐसे ही होता है, चलिए चलिए उठाइए लीजिए। मैं इतनी सारी नहीं पी। नहीं नहीं सपना जी दिल्ली की लस्सी नहीं पी तो फिर आपने क्या पिया, चलिए सारा का सारा, सारा का सारा और एक ही घूंट में पीना है। आइए चीयर्स, वन टू थ्री। एक्सक्यूज मी क्या हुआ? तुम्हारी मूछ निकल आई। सपना जी एक बात बताओ। बोलो। मूछें तो आपकी भी निकल आई। देखिए 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 जल्दी से देखिए, बुड्ढे बाबा वाली। हाँ देखिए। थैंक यू बॉस। हेलो दादा कैसे हैं आप? नमस्ते बाबूजी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम बिना बताए दिल्ली चले गए? अरे एक बहुत जरूरी काम आ गया था बाबूजी, मैं सब बात में बताता हूँ, पहले बताइए रेनू का है? रेनू है ऊपर। हाँ मैं पहले उससे मिल के आता हूँ, आपसे मिलता हूँ बाद में। अच्छा रेनू 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 मैं आ गया। बहुत जल्दी आ गए, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे 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 रेनू, अरे नाराज क्यों होती हो रेनू, जब तुम सुनोगी ना तुम्हारे राजू ने दिल्ली में कितना बड़ा काम किया तुम भी खुश हो जाओगे। मुझसे कहकर नहीं जा सकते थे क्या? बस प्लेन की टिकट मिली और उड़ गए हवा में। अरे रेनू वक्त कहाँ पर मिला, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना। जानते हो रेनू छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम जो छह महीने से रुका पड़ा था मैंने फाट फाट फटाक करा लिया। सपना जी मुझसे कितनी खुश थी। हाँ तुम सबको खुश करो, बस मेरी किसी को परवाह नहीं है। रेनू तुम तो समझ हो ना। अरे जानती हो सपना जी के खुश होने का मतलब, कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी शुरू हो जाएगा और बस्ती में जितने भी बेरोजगार लोग हैं ना सबको काम मिलेगा। ये सब चंदू कालका पांडे चाचा अरे सब सुनेंगे तो कितना खुश होंगे। रेनू रेनू मान भी जाना रेनू। अच्छा ठीक है
ठीक है, मेरे लिए क्या लाए? मैं आया ना, और देखो रेनू बाबूजी भी घर पे नहीं। ये नॉर्थ साइड में एम्बैंकमेंट वॉल को आप 2 फुट और बढ़ा दीजिएगा, समझे? और ये 30-40 एंगल्स के नीचे मुझे 6 इंच सीमेंट की पैकिंग और चाहिए, और मुझे सैंपल शाम को दिखाइए ये रेफरेंस के लिए। थैंक यू। हाँ चंदू कैसा है? मैं ठीक हूँ राजू। पांडे चाचा कहाँ है? वो पांडे चाचा पीछे रेती पर काम कर रहे हैं। हाँ राजू भैया, तुमने यहाँ काम दिलाकर हम पर एहसान किया है। अरे यार दोस्ती में एहसान वहसान कुछ नहीं होता। देखो अब तुम लोग मन लगा के काम करो और किसी को शिकायत का मौका मत देना। राजू हम लोग जान लगा कर काम करेंगे। तू जान मत लगा, सिर्फ मन लगा, समझा? जान लगा देगा। चलो चलो काम करो। ए राजोट। मैडम ये ब्रांड न्यू मिक्सर एलोनिन एशिया, और वो जो देख रही है सीमेंट और बालू का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, और यहीं से हमारा वो फ्लाई ओवर जाएगा अक्रॉस द रिवर, और वो जो पुल देख रही है उसके पैरेलल थोड़ा चौड़ा टू एंड फ्रो, मतलब मैंने क्या कहा? अरे राज सपना जी कैसा लगता हूँ? अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छा लगता है ना यहाँ पर। पसंद आया तुम्हें? पसंद? अरे ये तो सपना लेकर आया था मैं दार्जिलिंग से। बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, क्या बड़े बड़े ब्रिज। कितना सपना जी, एक दिन मैं भी किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनूंगा। बनूंगा ना? जरूर बनोगे। आओ जोरों शोरों से काम हो रहा है। गुड प्रोग्रेस मल्होत्रा। अच्छा काम किया है। हेलो दीपक। हेलो अंकल। भाई तुम यहाँ के इंचार्ज हो, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। हाँ यस सर। हेलो डैड। हाय डार्लिंग हाउ आर यू? फाइन। कांग्रेचुलेशन सपना, दिल्ली में जो काम रुका हुआ था तुम्हारी वजह से फिर से शुरू हो गया। इस कांग्रेचुलेशन की हकदार मैं नहीं हूँ अंकल, राज है। अगर वो मेरे साथ दिल्ली में नहीं होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलता। ये बात है तो उसके लिए पार्टी होनी चाहिए मल्होत्रा, क्यों? हाँ जरूर, छोटा आदमी खुश हो जाएगा। पर सपना उसके जरा कपड़े वपड़े। डोंट वरी डैड। थैंक यू। मेरे साथ साथ आसमां से आ।
हुस्न से भी हसी है ख्वाब मेरी जिंदगी के इस खुशी से परे है मोड़ और भी खुशी के मैं देखता नहीं कभी इधर उधर बस अपनी मंजिलों पे है मेरी नजर देख मुझको मेरे हम सफर टैक्सी वाला ये 100 रुपी नोट कीप द चेंज नाम याद रखना राजू राजू जेंटलमैन बाय बाय चला रेनू रेनू हे रेनू 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 अरे बाहर निकलो ना रेनू देखो तुम्हारा राजू जेंटलमैन आज कितना खुश है बाहर आओ रेनू हे रेनू अरे बाहर निकलो ना रेनू रेनू राजू आ गया कैसी हो राजू चुप करो बस्ती के सारे लोग सो रहे हैं सो रहे हैं सब सो रहे क्यों सो रहे हैं तुम शराब पी कर आए हो क्या हाँ सारा बंबई तेरे राजू की मुट्ठी में है यहाँ इधर सारा राजू चुप कर जाओ अब इधर घुसा के My friend, मेरा दोस्त जय ए जय तुझको क्या बोला था मैं सब सो रहे हैं मैंने तुझको क्या कहा था जय कि मैं अपनी मंजिल हासिल करके रहूंगा देख राजू जेंटलमैन तेरे सामने अपने अपने पैरों पे खड़ा है वही देख रहा हूँ यार तू सच्ची का जेंटलमैन हो गया हो गया यार लेकिन अभी भी धरती और तेरे पैर के दरमियान थोड़ा सा फासला बाकी है ये बम्बई है मेरी जान यहाँ पैर जमाने में थोड़ा वक्त लगेगा खाना खाया हाँ खाया राजे बहुत खाना खाया मैं उसके बाद दिया भी है जय इसमें भी राजू और सपना इसमें भी राजू और सपना इसमें भी तुम नहीं हो ये भी राजू और सपना ये भी राजू और सपना ये इसमें तो मैं हूं इसमें भी राजू और सपना इसमें भी राजू और सपना क्या है ये कहां हो कहां है आप कहां हो इसमें ये क्या है yes. सपना के साथ एक भी फोटोग्राफ नहीं आप कर क्या रहे थे जी चाहता है थप्पड़ मारूं तुम्हें अरे इस पर क्या बिगड़ रहे हो बेवकूफ मैं भी देख रहा था कि पार्टी में तुम्हारा ध्यान सपना से ज्यादा दारू की बोतल पे था बस शराब पे शराब पिए जा रहे थे आप यहां से जाइए गेट आउट पापा आप हमेशा मुझे से कहते हो जबकि सपना को मेरी कोई परवाह नहीं है देखिए पापा मैं आपको बताता हूं कि सपना के साथ मेरी शादी करवाने का आपका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि वो उस 2% के इंजीनियर के साथ 24 घंटे घुमा करती है पापा अरे सपना जी ये मुझे आप कहां है आओ तो सही मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि समझने की कोई जरूरत नहीं रहता सपना जी का हर काम भेद भरम से भरपूर कहानियों की तरह होता है फुल ऑफ सस्पेंस आई नो फ्रॉम चाइल्डहुड सक्सेना अंदर प्लीज आओ अंदर आओ कैसा लगा तुम्हें ये घर बहुत अच्छा है सपना जी
और कितना बड़ा है, सुनिए। किसका है? तुम्हारा है, आज से तुम इस घर में रहोगे। मेरा? लेकिन सपना जी ये... सपना जी नहीं, सपना, अब हम दोस्त हैं, है ना? हाँ सपना जी, सपना। मगर इतना बड़ा घर मेरे लिए तो क्या हुआ, तुम पर कोई एहसान तो नहीं किया जा रहा? अगर तुम कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो तो फिर क्या ये कंपनी का फर्ज नहीं बनता कि वो तुम्हारे आराम का ख्याल रखे? सक्सेना साहब, घर की चाबी। चाबी, ये रही तुम्हारे घर की चाबी। सपना ये आज से ये घर तुम्हारा है। अरे रेनू अब छोड़ो। ठीक है बाबा, तुम्हें जो बोलना है बोलो। पहले मैडम ने तुम्हें प्रमोशन दी, वो तो दी, फिर साहब को नया कैबिन मिल गया। करेक्ट, अच्छा है ना मेरा कैबिन। फिर पहनने के लिए कपड़े दिलवाए। तुम्हारे पास तो कुछ पहनने के लिए था ही नहीं ना? कहो। ये कोट, ये सूट, ये टाई। अरे आराम से, कीमती है, इम्पोर्टेड है। फिर कमी रह गई थी एक फ्लैट की, तो वो भी पूरी कर दी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब मेहरबानियाँ तुम पर क्यों की जा रही है? क्योंकि मैं इन सब के लायक हूँ। अब तुम्हारे ऑफिस के लिए इतना काम भी तो किया ना मैंने। नहीं, टंग टंग टंग। वो तो कंपनी के सारे लोग करते हैं, फिर उन पर तरस क्यों नहीं खाती तुम्हारी ये सपना मैडम? भाई अब ये सब मैं कैसे जानूं? मगर मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो? प्यार करती है वो तुमसे। अरे भाई वाह, कितनी अच्छी बात कह दी तुमने, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। भाई तुम हमारी शादी में जरूर आना, मैं कार्ड भेजूंगा तुम्हें। हेलो रेनो। अरे यार बात, रेनो, हे रेनो, रेनो 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 रेनो। अरे तुम रो क्यों रही हो रेनो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था भाई। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। अच्छा, I'm sorry रेनो, ऐसा मजाक हरगिज नहीं करूंगा। वो क्या है ना, सपना वेस्टर्न कल्चर में पली है तो थोड़ी सी एडवांस है बस, और कुछ नहीं। अरे तुम तो खाम का शक कर रही हो। राजू, मैं सपना की तरह खूबसूरत नहीं हूँ, ना ही उसकी तरह अमीर हूँ, मगर एक बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा। राजू मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना। अरे मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ रेनू, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, तुम तो हमेशा मेरे पास रहोगी। हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, और ये सब मैं उसके लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ। डैडी, सपना मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद किया है अकेले, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रही हो कि राज और तुम नदी के दो किनारे हो जो कभी नहीं मिल सकते। अब ये नामुमकिन है क्योंकि मैं इतना आगे निकल चुकी हूँ कि मेरा वापस लौटना बिल्कुल ही नामुमकिन है। डैडी नॉनसेंस, इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, इनसे प्यार नहीं किया जाता। एनीवे, क्या वो जानता तुम उससे प्यार करती हो? नहीं। देखो रेनू, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, कितनी खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत लग रही है। राजू ये ऐसे है। ऐसे रस तुम मेरे लिए लाया हो? तुम्हारे लिए लाया हूं। अरे हाँ, इसके साथ ये मैचिंग जूते भी हैं, देखो। मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती। अरे पहनो ना मेरे लिए प्लीज। राजू इसमें मुझे शर्म आएगी। शर्म क्यों आएगी, मैं आंखें बंद कर लूंगा। चलो जाओ अंदर मेरे कमरे में जाकर। नहीं राजू, चलो 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 चलो। राजू जूते पकड़ो पकड़ो पकड़ो। राजू ये प्लीज।
नहीं राज, मैं हार नहीं मानूंगी। मैडम कहाँ है मिस्टर राजमाथुर जी? आपने उन्हें बुलाया नहीं? वो आ रहे हैं, अब जा सकते हैं। तुमने मुझे बुलाया सपना? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं। जानना नहीं चाहोगे क्यों? बताओ। याद है राज, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के इंचार्ज बनना चाहते हो। कहा तो था सपना, लेकिन कहने और होने में बहुत फर्क है ना। कोई फर्क नहीं है राज, आज से तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो। मैं? यू मीन यहाँ का चीफ इंजीनियर? आज लेकिन... यहाँ वही होगा जो तुम चाहोगे। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सपना, थैंक यू। शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है राज, अपनों का नहीं। डैड मैं कह रहा हूँ रिलैक्स रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स डैड, मैं अभी भी कह रहा हूँ छाबरिया साहब मानने नहीं वाले। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ कर देते हैं, पुल जब गिर जाएगा तब दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। ठीक है ठीक है। व्हाट ठीक है डैड, उसे बात कर देख लेते हैं, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो वक्त आने पर वो भी कर देंगे बस। गुड मॉर्निंग मल्होत्रा, कैसे आना हुआ? छाबड़िया साहब छोटे ही सही, लेकिन हम भी इस कंपनी के पार्टनर हैं, हमारी भी कोई हैसियत है। उसने लड़के को आपने चीफ इंजीनियर बना दिया, अरे ये भी कोई बात हुई? आप तो जानते हैं कि चीफ इंजीनियर को क्या क्या अतिक्रम करनी पड़ती, सरकारी दफ्तरों में ऊपर से नीचे तक के लोगों को खुश रखना पड़ता है। अरे राजू ये सब नहीं कर पाएगा, ये उसके बस की बात ही नहीं है। मल्होत्रा सपना किस फैसले से मैं भी खुश नहीं हूं। हाँ पर तुम जानते हो कि वो सर, अगर आप चाहें तो उसे हटाने की एक तरकीब है मेरे पास। तुम कहना क्या चाहते हो? सर आप उसे ऐसा काम दीजिए जो वो कर नहीं पाए। सर सर वो असूलों का बहुत पक्का है। ये सब स्टैंडर्ड रेडी क्यों इस्तेमाल हो रही है स्पाइकर? किसने ऑर्डर दिया इसका? साहब मल्होत्रा साहब ने ऑर्डर दिया था। राजू भैया जब से तुम चीफ इंजीनियर बने हो इसी तरह का रेत इस्तेमाल हो रहा है। माधो साहब आपको चावड़िया साहब ने किसी जरूरी काम से घर पे बुलाया है। ठीक है रातों मैं मिलता हूं तुमसे। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया सर। आइए आइए चीफ इंजीनियर साहब। भाई वो तुम्हारे ब्रिज वाले प्रोजेक्ट में कुछ रुकावटें आ रही हैं। बट वी आर डूइंग अ बेस्ट सर। बेस्ट वेस्ट से कुछ नहीं होता। इस बैग में 5 लाख रुपए हैं। आज शाम को 7 बजे तुम हॉलिडे इन पहुंचाना, वहां मिस्टर जोशी तुम्हारा इंतजार करेंगे और बाकी तुम्हें सक्सेना समझा देगा। आप रिश्वत देना चाहते हैं मगर क्यों? आप मैं हम सब जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किसी भी तरह से अधूरा नहीं है सर। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लड़ सकते हैं इसके। और इस लड़ाई में जीत होगी रिश्वत की। एक्सक्यूज मी सर, मैं बिल्डिंग्स बनाता हूं सर, इंजीनियर हूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। यू ब्लडी वेल डू इट। और सुनो, अगर तुम्हें इस कंपनी में चीफ इंजीनियर रहना है तो शाम को 7 बजे वहां पहुंच जाना। और रेनू
अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। कहो। राजू, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो ठीक नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। देखो, एक बार इस दलदल में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। किस दलदल की बात कर रही हो तुम रेनू? इस रिश्वत और बेईमानी की। राजू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि रेनू, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा मुझे धक्का देके आगे निकल जाएगा। तो निकल जाने दो उसे। देखो राजू, हमें तो ये सब नहीं चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ मिलेगा उसमें हम खुशी से जी लेंगे। अरे मेहनत मेहनत से कुछ नहीं होता आजकल रेनू, तुम तो जानती हो ना रेनू कितनी मेहनत की है मैंने इस प्रोजेक्ट पर। क्या सिला मिला मुझे इसका? क्या मिला सिला मुझे इसका? राजू, तुम समझते क्यों नहीं, ये लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं। कौन लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? छाबरिया साहब, मल्होत्रा साहब और सपना। हाँ, और सपना। सपना सपना सपना, हर बात में सपना को बीच में लाने की आदत सी पड़ गई है तुमको। अरे जैसे तुम्हारी जिंदगी में मकसद ही नहीं है कुछ और सपना के सिवाय। लेकिन रेनू, मेरा मकसद ये नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं इस शहर में आया हूं बड़ा आदमी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, कामयाब होने के लिए। ये फुटपाथों पे सोने के लिए नहीं आया हूं मैं। और एक बात और, मुझे इस इरादे से कोई नहीं हटा सकता, तुम भी नहीं। आइए आइए सर, वो आ गए। मैं राज। आ गए बरखुरदार, गुड इवनिंग सर। अरे हम आपके कनेक्शन का कब से इंतजार कर रहे थे, बड़ी देर कर दी। हाँ सर, वो नहीं थैंक यू, वो रास्ते में। घबरा क्यों रहे हो माश है? अगर हमारे साथ आपके दो चार कनेक्शन और हो जाए ना, होशियार हो जाओगे। जी सर, वो ये भेजा है। ठीक है ठीक है, इसमें वो 5-5 तो है ना? नहीं, 5-5 तो नहीं सर, वो 5 लाख रुपए। दीवारों के भी कनेक्शन होते हैं। नहीं समझे सर, वो प्लान्स वगैरह डिस्कस कर। प्लान्स को मारो गोली। वो कहा है? वो क्या? अरे भैया, आप तुम्हें कैसे समझाएं? पान के साथ गुलकंद का, गुलकंद के साथ गुलाब की पंखुड़ियों का, फुलझड़ियों का कनेक्शन होता है ना, वो कहा है? वो तो नहीं समझे। वो देखो कनेक्शन खोलो भाई। जी जी, ये राजमाथुर साहब का कमरा है। हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। हमें सक्सेना साहब ने भेजा है। हाँ, बिल्कुल सही भेजा है। इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन। अच्छा है, वेरी गुड। यहाँ क्या कर रही हो? अंदर बरकरार, डबल कनेक्शन है। आ जाओ, कम कम। नहीं सर, मैं चलता। घबरा गए? खैर कोई बात नहीं, देखो साहब को ड्रिंक का पूछना। ओके ओके, सी यू। अरे यहाँ खड़ी हो गई, चलो अंदर। लीजिए ना सर, नहीं लीजिए ना सर। अरे बोला ना, नहीं चाहिए। रेनू, तुम कुछ काम था? सपना जी, मैं आपसे कुछ, मैं जानती हूं मुझे यहां ऐसे आना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। सपना जी, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। कहो, क्या बात है? सपना जी, एक ख्वाब, एक छोटे से घर का जिसमें छोटी छोटी खुशियां हो, एक ऐसा घर जिसमें प्यार हो, भरोसा हो, इज्जत हो, शर्म और नफरत के लिए जिसमें कोई जगह ना हो। दिन भर काम करने के बाद जब कोई घर
घर वापस लौटे तो वहां प्रेम पाकर दिन भर की थकान दूर हो जाए। सपना जी, क्या ऐसा ख्वाब देखना जुर्म है? मैं कुछ समझी नहीं रेनू। मेरे कहने का मतलब राजू से है। सपना जी, मुझे मेरा राजू वापस लौटा दीजिए। राजू, अच्छी खासी शायरी कर लेती हो तुम। छोटा सा घर, छोटी छोटी खुशियां। रेनु, मैंने तुम्हारे राजू को किसी पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है, वो आजाद है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो तुम्हारी दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां पहुंचना हर आदमी के बस में नहीं है। और उसकी इस उड़ान में मैं उसका साथ दूंगी। मैं उसे वो सब कुछ दूंगी जो मेरी हैसियत में है और मेरे बस में है। क्या आप उसे उसका भोलापन, उसकी ईमानदारी वापस दे सकती हैं? ओह शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही ऑफिस में आकर मुझ पर यह इल्जाम लगाओ? सच्चाई और ईमानदारी की बुनियाद पर झूठ और फरेब का महल बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता, वो गिर जाता है। गेट आउट, गेट आउट, यू आर फायर्ड। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकती हैं? मेरा इस्तीफा। रेनू, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। फिर छने दिमाग से बैठकर बात कर लेती वहां पर। अब कोई बातें नहीं होंगी, अब सिर्फ फैसला होगा, आज और इसी वक्त। क्या? कैसा फैसला? या तो तुम अभी ये सब छोड़कर मेरे साथ चलोगे, या फिर तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाओगे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। रेनू, झूठ बोलते हो तुम। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। तरक्की पाने के लिए तुम ऐसे नीच काम कर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे क्या क्या है मैंने? हाँ क्या क्या है मैंने? चोरी की है, डाका डाला है। अरे बिजनेस के टूल मैंने तो नहीं बनाया ना रेनू। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती रेनू? मैं तुम्हारा फैसला समझ रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना रेनू। अरे ठीक है जाओ। अरे जाओ, रिश्वतखोर हूं मैं, 420 हूं, चोर हूं चोर, वैसी दरिंदा हूं, लोगों के सिर काटकर खून पी लेता हूं उनका। अरे जाओ, कभी मिलने नहीं आऊंगा तुमसे मैं। पर अकेला इस शहर में आया था, अकेला जी लूंगा, मरूंगा नहीं मैं। नहीं समझती तो मत समझो। वो तुम्हें कभी नहीं समझेगी। हाँ, कभी नहीं समझेगी वो। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना है। चलो, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू? जी हाँ, इनके लिए एक गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है? आइए आइए सर, आई नो जस्ट द कार। चाहिए जाओ, आइए आइए सर, आई नो जस्ट द कार। आइए आइए, वाह, इस गाड़ी को देखिए, क्या गाड़ी है। अंदर देखिए, स्टीरियो सिस्टम, बकेट सीट, एयर कंडीशनिंग, स्टीरियो। सर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ, मिस्टर लवचंद। लवचंद? अरे हाँ, मुझे याद है, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर सर। लेकिन सर उस वक्त तो लाइए चाबी। चाबी, चाबी। बहुत दम है, बहुत दम है इन हरे हरे नोटों में, बहुत दम है। किसी भी इंसान को यह हरी पत्ती दिखाओ या ऐसे कुत्ते के सरी का दुम हिलाते चला आएगा, यहां तक के जमुरा बन जाएगा, मदारी के हर इशारे पर नाचता रहेगा। अबे जमुरे, हाँ उस्ताद, दिल को दिल्ली में बेचेगा, बेचेगा उस्ताद, जमीर को जहन्नम में पार्सल करेगा, करेगा उस्ताद, अपने दोस्तों को चूना लगाएगा, हाँ लगाएगा उस्ताद, अपनी प्रेमिका को दगा दे सकेगा तू? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है उस्ताद। देखा देखा, हर बात पे हां हां करता है। ग्रीन बॉम्बे, क्लीन बॉम्बे।
आपका माल साहब। जिस तरह का सीमेंट मंगवाया था आ गया ना? हाँ साहब सब आ गया। देखो ये ब्रिज किसी तरीके से गिरना चाहिए। ठीक है और ये लो। थैंक यू। तुम चल, तुम चल, तुम चल। अरे खेल अभी तो शुरू हुआ है, देख जरा तू आगे, हर तूफान से टकराएगा अब ये धूपा जाके। खेल अभी तो शुरू हुआ है, देख जरा तू आगे, हर तूफान से टकराएगा अब ये धूपा जाके। दुनिया के संग संग बदलेंगे अब हो चाहे कुछ भी अंजाम। पैसे चाहिए मैं और देता हूँ, ये लो। हाँ लेकिन आज रात को काम हो जाए। चल 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 चल। मुबारक हो मल्होत्रा साहब, छबड़िया कंपनी का बनाया हुआ ब्रिज गिर गया। कोलैप्स। अरे हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन राज माथुर मलबे के नीचे दब के मर जाएगा। अब देखते हैं राजू के बच्चे को, बहुत हवा में उड़ रहा था साला। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट आज की शाम ईमानदारी के। ईमानदारी? नो नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नो एक्सक्यूजेस, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे गिरा ये ब्रिज? अंकल जहां तक मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही हस्ती है जिसके पास इस सवाल का जवाब है, और वो है मिस्टर राज माथुर। मैं आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर मल्होत्रा? मिस्टर राज माथुर, शुरू से आखिर तक आप ही इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, आप, और अब एक आप ही इस कंपनी के बदनामी के जिम्मेदार हैं और इतने बड़े नुकसान के। एक्सक्यूज मी सर, सर ये सही है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं था, लेकिन लेकिन तुम ये नहीं जानते कि लाल कृष्ण छाबड़िया का नाम अपने धंधे में सबसे ऊंचा है, और अगर किसी ने हमारी तरफ उंगली उठाने की जरूरत की है तो हमने उसका हाथ काट दिया। ठीक है सर, अगर आप लोगों को लगता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जी नहीं, आप इस्तीफा नहीं देंगे। मल्होत्रा, कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो जिसमें हम उन लोगों को यह बताएंगे कि ब्रिज गिरा नहीं, गिरा गया। इट वाज सैबोटेज। और आप मिस्टर राज माथुर इस बात को कंफर्म करेंगे। सक्सेना? यस सर। पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर दोनों के स्टेटमेंट ले लो। तुम जानते हो कैसे करना? जी सर। छाबड़िया कंस्ट्रक्शन के नाम पे धब्बा लगे कि मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगा। इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपका यह ब्रिज नकली सीमेंट और खराब मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से गिरा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। इट इज सैबोटेज। सैबोटेज समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है? ये उन आतंकवादियों का काम है जिनका मकसद है तोड़ फोड़ और देश की तबाही। लेकिन सर ये आप कैसे कह सकते हैं? एक मिनट, आपने ये कैसे समझ लिया कि हम कह रहे हैं? हमारी पुलिस, सीबीआई, उनकी इंक्वायरी और पुल के मलबे के नीचे से मिली हुई आतंकवादियों की लाशें जिन पर पुलिस को शक है, इस बात का पूरा पूरा सबूत है कि ये पुल गिरा नहीं बल्कि गिराया गया है। लेकिन सर हमें रिपोर्ट्स मिली है कि आपके लोगों ने... एक मिनट, आपको जो भी सवाल पूछने हैं
आप हमारे चीफ इंजीनियर मिस्टर राज माथुर से पूछिए। मिस्टर माथुर, क्या आपका भी यही ख्याल है कि ये काम आतंकवादियों का है? छाबड़िया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस साइट की इंस्पेक्शन मैंने खुद की है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में जो माल इस्तेमाल हुआ है किसी भी तरह से गलत या सब स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि यह काम आतंकवादियों का है? जी हाँ। निकल। ए, ए, बात बात क्या है? जय चल आराम से। जय चल। ए, हुआ क्या है? जय चल। कहाँ जाता? चल छोड़ो। जय देखना है ना तुझे? सारे जा रहे हो मुझे? चल 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 बात बात तो मुझे देखना है ना। चल बात क्या है? जय बता। ये देख, ये कौन है? पांडे चाचा। नहीं वो नहीं, बराबर देख। ये आतंकवादी है पांडे चाचा? नहीं ये आतंकवादी है पांडे। इसको इसको भूख लगती थी, वो गया था काम करने तेरे पुल के वहाँ, पत्थर तोड़ने गया था। पत्थर तोड़ने नहीं, बम बम फोड़ने गया था। ये तेरी तरक्की की दुआ करता था, साला नाटक करता था। इधर आ, ये देख। ये कौन है? चंदू। चंदू नहीं, आतंकवादी चंदू। ये देख, आतंकवादी चंदू का बाप दगड़ू मोची। दगड़ू मोची आइए, ये मोची की दुकान है ना, दिखावे के लिए ये बम बनाता था। अपने बच्चे को बम दिया, बोला जा पुल उड़ा क्या, पुल उड़ाया खुद दब गया। ये सराय से नाचता था ना, राजू बन गया जेंटलमैन में, एक साला नाटक करता था। साला कमाल का जेंटलमैन है तू, तेरे को कैसा मालूम ये आतंकवादी? हमको कभी पता भी नहीं चला यार आतंकवादी कमाल का है यार जेंटलमैन। ये काय को रोता है तू? रोता काय को है? ये साला आतंकवादी तू उसका बाप है, काय को रोता है? काय को रोता है? रोने का काय? बस 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 बस, तू रोते जा रही है, रोते जा रही है। देख साहब, टाई बांध के टीवी पे बोला आतंकवादी है, टाई बांध के कोई झूठ बोलता है? नहीं लाओ उसका, चल चल लेके जाना है। अरे मैंने नहीं मारा इन लोगों को, नहीं मारा है, नहीं मारा मैं। तो, नहीं तो मारा। फिर कौन मारा? कौन मारा? तेरे लोगों ने मेरे लोगों की भूख को आतंकवाद बोला, तूने उनके हाँ में हाँ मिला दी। कल तू कुछ बोलेगा, तेरी हाँ में हाँ मिला देगा कोई। साले ऐसे ही तुम्हारी बिरादरी बढ़ते जाएगी, साले सड़े हुए लोग तुम सारे। चल चल चल, तेरे चूने से कुछ ना होगा, चल हट। इन गरीबों की आह लगेगी देख तेरे को, गारंटी आप उनकी देख, कभी चैन से जी नहीं सकेगा तू। राम बोलो। भाई राम। जीते जी मर जाएगा, कीड़े पड़ेंगे देख तेरे को। राम बोलो। भाई राम। पांडे चाचा आतंकवादी, साला असली आतंकवादी तू, तेरे लोग, तेरे होते इस धरती पर राज करे है पैसा, दुनिया का भगवान है पैसा, तू भगवान है कैसा। ए चल 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 उठा, चल उठा, चल हट हट। राम बोलो। 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 मैं आसमान को छूने की कोशिश करते करते मैं पाताल में पहुंच गया हूं भगवान, बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं इस अंधेरे से। निकलने की राह रोशन करो भगवान,
मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रोशनी की किरण तुम्हारे अंदर से ही जागेगी राजू। राजू सच्चाई में बहुत ताकत होती है, कह दो जो सच है। देखो पुरानी दोस्ती के कारण अपने आप को रोक नहीं सकी, सो कह दिया, माफ करना। रेनो देखो मैं मुझे नहीं राजू, मुझे छूना मत, मत छूना मुझे, अब डर लगता है मुझे तुमसे। इसे कहते हैं गहरी चाल। ब्रिज हमने तोड़ा, नाम लगा आतंकवादियों का, और अंजाम कौन भुगतेगा? राज माथुर। छाबड़े बहुत खार खाए बेटा उस पर। वे टू गो डैड। चीयर्स माय सन, चीयर्स। तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? मैं तो पहले से ही जानता था तुम लोग इंसान नहीं हो, हैवान हो, हैवान। दीपक बाहर निकाल, बाहर निकाल, आराम से बाहर निकाल, निकल बाहर, निकल बाहर। तुम अंदर कैसे आ गए साले दो टके के इंजीनियर? अबे अबे क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मैं बॉस्टन चंदू के कातिल छोड़ो, चंदू के छोड़े छोड़ो, मैं कह रहा हूं मैं भी राज, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि तू इस कागज पे लिखे कि वो ब्रिज तूने तोड़वाया है। नहीं राज नहीं। चुप, लिख, लिख के पाने चाचा और चंदू का कातिल मैं नहीं हूँ, उनका खूनी तू है। नहीं राज, तुझे मांगी तुझे देने के लिए तैयार हूँ राज, मैं लिख रहे समय नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। लिखते मल्होत्रा वरना तुझे मार डालूंगा मैं। बोल तू लिखता है कि नहीं? नहीं राज, बोल, बोल तू लिखता है कि नहीं? नहीं राज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देख के बोल तूने गिराया है, देख के चंदू और पांडे चाचा का कातिल तू है। तुम जो कहोगे वो मैं लिखने के लिए तैयार हूं। देखा ना छाबड़िया साहब, गौर से पढ़िए उसे, देखिए उसे गौर से देखिए। अरे मैं तो पहले से आपको बताना चाह रहा था कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे भी उसने फंसा दिया, लेकिन आप छोड़िएगा मत उसे। हाँ अच्छा हुआ असलियत सामने आ गई। जी अरे, अरे ये क्या कर रहे हैं आप सर? जो मुझे करना चाहिए। लेकिन चाबड़े साहब ये तो सबूत है। तुम क्या चाहते, इसे मैं अखबार में छुपा दूं? नहीं चाबड़े साहब, तुम जानते हो ये कागज हमारी कंपनी के लिए डायनामाइट है, ये हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगा। जहां तक मल्होत्रा का सवाल है उसे मैं बाद में देख लूंगा। आप सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसे हैं आप सब लोग, हथियार गिरे हुए। लेकिन अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, भरी अदालत में सारी दुनिया के सामने ये बता दूंगा कि उन बेगुनाह गरीब लोगों के कातिल मल्होत्रा और आप। तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा?
सबसे पहले फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़ेगा। हाँ जानता हूं लेकिन अब मैं आप सबको साथ लेकर मरूंगा छाबड़िया साहब। शट अप, गेट आउट फ्रॉम हियर। राज प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुम डैडी के खिलाफ हो गए तो वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। ये तुम क्या कह रही हो सपना? मैंने तो कभी तुम्हें इस नजर से देखा भी नहीं। मैं तो रेनू से प्यार करता हूं लेकिन अब इस भूल भुलैया में फंसकर मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं और मुझे अब अपने किए का प्रायश्चित करना है। सपना, ये तुम्हारी गाड़ी और बंगले की चाबी, तुम्हारे साथ जो खुशी के पल मैंने बिताए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से अगर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर। छाबड़िया ब्रिज कोलैप्स से जुड़े करप्शन, ब्रिज फेल जुड़े केयरलेसनेस, आज अदालत में राज माथुर का बयान, इट वॉजन टेररिस्ट, हर पेपर में यही हेडलाइन है। दो टके के इंजीनियर हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है, अदालत जा रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। घबराइए नहीं, वो अदालत नहीं पहुंच पाएगा। चल शाणे, चल घूम जा, चल इधर चल। नहीं राजू, कोर्ट में जा।
कोर्ट में जा तो हिलो मत तुमको जिसको मारना था वो तो भाग गया, हम काय को झगड़ा कर रहे हैं, हम काय को झगड़ा कर रहे हैं। हिलो मत ये ऐसा सीला मत ताना, तू 10 मारेगा तो अपन 5 तो मारेगा ना, फायदा क्या, फायदा है कुछ? झगड़ा करने से किसी का फायदा हुआ है? रामायण देखो, महाभारत देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर, नेपोलियन, किसका भला हुआ है? किसका नहीं। चल हट, चल हट, चल हट, हट। तू यहां खड़ा क्या कर रहा है पागल? यह अदालत का अच्छा खासा मजाक है। जिस शख्स ने छबड़िया कंपनी के खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाया और खुद गैर हाजिर है, अदालत उसे 5 मिनट का वक्त और देती है। आपने 5 मिनट दिए, 7 मिनट होने को आए, राजमाथुर अभी तक नहीं आए, अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। आई सजेस्ट यू शुड डिसमिस द केस। आई थिंक यू आर राइट। द केस आ गया हूं जज साहब। छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का ब्रिज टूटा नहीं है बल्कि गिराया गया है, और इसके जिम्मेदार है ये मल्होत्रा और उनका बेटा दीपक। मैं इन लोगों की नाजायज हरकतें देखता रहा, कहता रहा जज साहब, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी का डर था। जज साहब सर, मैं बहुत बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था ना, राजू जेंटलमैन। लेकिन 4 बेगुनाह लोगों की मौत ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया जज साहब, और जब मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की तो इन लोगों के गुंडों ने इसी अदालत के बाहर मुझे जान से मार देने की कोशिश की। जज साहब, योर ऑनर, मैं उन गवाहों को पेश कर सकता हूं जिन्होंने राजमाथुर को घटिया मार के बारे में आगाह किया, उसे मनमानी करने से रोका, लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। गवाह पेश करने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर मोदी, सीमेंट का ऑर्डर कौन देता था? योर ऑनर, सिर्फ सीमेंट ही नहीं, रेती, ईंट, माइल स्टील, सभी का ऑर्डर हमारे चीफ इंजीनियर श्री राज माथुरी देते थे, और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देते, इस घटिया माल के ऊपर कमीशन भी खाते थे। योर ऑनर, राज साहब ने बिना किसी से पूछे ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लान बदल दिया। बकवास करता जज साहब ये। योर ऑनर, घटिया माल की जानकारी चीफ इंजीनियर साहब को लेबोरेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं लगातार देता रहा, मगर इन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। गलत बोलते हो तुम चाचा, मुझे ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई, गलत बोलता है ये। इलाज, हम लोगों का काम ईंटा, सीमेंट और बालू का है। बालू बढ़ गया, सीमेंट घट गया तो कोई भी मकान गिर सकता है। चीफ इंजीनियर मिस्टर राज माथुर ने अपनी गलत हरकतों को छुपाने के लिए मुझे ब्राइब करने की कोशिश की, और जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो इन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी, अरे उस कंपनी से जहां का मैंने नमक खाया है। एंड सपना जी इज लाइक माय फादर मदर सर। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं चाचा, झूठ बोल रहे हैं ये। योर ऑनर, ये लालची शख्स
रातों रात करोड़पति बनने की लालच में छाबड़िया साहब की बेटी सपना को अपने जाल में फंसाया, कामयाबी की सीढ़ियों की तरह उसे इस्तेमाल किया। हद तो ये है योर ऑनर, एक पार्टी में नशे में धुत होकर उसने छाबड़िया साहब की बेटी सपना को शादी के लिए मजबूर किया, और जब सपना ने उससे वक्त मांगा तो इसने उसे बेरहमी से पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, और यहां तक कि योर ऑनर उस पर बलात्कार करने की कोशिश की। झूठ बोलता है जत्ता, भी झूठ बोलता है यह कभी ना जत्ता। जत्ता, सपना, सपना, अरे तुम चुप क्यों हो? देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। अरे तुम बोलती क्यों नहीं सपना? अरे तुम बोलो सपना, सपना तुम तो मेरी दोस्त हो ना सपना, बताओ मैंने क्या बदतमीजी की तुम्हारे साथ सपना, बताओ इनको मैं कातिल नहीं हूँ, कातिल ये लोग हैं सपना, कातिल ये लोग हैं, बोलो सपना, बताओ। ऑर्डर ऑर्डर, बताओ ये क्या हंगामा? मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है पटेरे में आगे कहिए। मैं सपना छाबड़िया, छाबड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पार्टनर की हैसियत से ये बयान देती हूँ कि मिस्टर राज माथुर पर लगाया हुआ हर एक इल्जाम झूठा है योर ऑनर। राज बेकसूर है। अदालत मिस सपना छाबड़िया के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर राज माथुर के बयान से इत्तफाक रखती है और पुल टूटने की सही वजह जानने के लिए हाई लेवल इंक्वायरी का हुक्म देती है। शुक्रिया सपना। नहीं राज, और देर मत करो, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, जाओ। नहीं सपना, मैं रेनू के प्यार के काबिल नहीं हूं सपना, मैं ये शहर छोड़कर वापस चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा की। ये अपना राजू सिस्टर को छोड़ के जा रहा है? हाँ, वो अपने मुल्क वापस जा रहा है। मतलब? कहता है कि उसे बंबई रास नहीं आया। जय देख गया ना, वो तो जाने वाला ही था। भैया रोक लो ना उसे। अरे यार सिस्टर नहीं रोक पाई, मैं कैसे रोकूं? अरे मतलब ये वापस नहीं आएगा? हाँ लगता तो वैसे ही है। अरे जय तू तो चैंपियन है यार, तेरे को कितना एक्सपीरियंस है, कुछ कर दे। एक मिनट, अगर वो पलटी मारकर सिस्टर की आंखों में आंखें डालकर देखेगा ना, फिर वो नहीं जा पाएगा। अच्छा, मगर पलटी नहीं मारा तो फिर गया है? पलटना यार, तेरा क्या जाता है, जाते जाते एक बार तो पलट। अरे राजू पलटना, पलटना रे, पलट। ओ पलटा रे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन।
चमका है अपना भी सितारा, पत्थर से निकला है पानी का।